एंटरटेनमेंट शिक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 3 लेके आए हैं और इस पार्ट 3 में हम समझेंगे कि जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी यानी कि ये फॉर्मूला लिखा है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं और इस फॉर्मूले का यूज करके हम कितने टाइप के क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ए फर्स्ट टर्म किसी भी एपी का, एन टर्म जो हम निकालते हैं नंबरिंग जो होती है नेचुरल नंबर, डी कॉमन डिफरेंस और एंथ टर्म यानी कि जो एन टर्म में वो नंबर क्या होगा जो निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे और इस फॉर्मूले को समझ लेंगे तभी हमारी समझ में अच्छी तरीके से आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने लिखा है टेंथ टर्म ऑफ द एपी 1, 4, 7, 10। हमने लिखा 1, 4, 7, 10 ये एपी इसी तरीके से जा रही। अब हमें यहाँ ए इक्वल टू 1 आ गया। अगर हमें डी चाहिए तो डी कैसे निकालेंगे, डी निकालने के लिए हम लिखेंगे ए टू माइनस ए वन। ए टू कितना है 4 में से 1 लेस कर दिए तो आपका 3 आ गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमें टेंथ टर्म इसका निकालना है तो टेंथ टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एंथ टर्म वी नो एंथ टर्म इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एंथ टर्म हमसे पूछा है हमें कौन सा निकालना है टेंथ टर्म, तो हम लिखेंगे टेंथ टर्म ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है 10 क्योंकि टेंथ टर्म निकालना है 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है 3। वेरी सिंपल, 1 प्लस 10 में से 1 गया तो 9, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस 27 मीनिंग 28। तो इस तरीके से हमने टेंथ टर्म अपना फाइंड कर लिया, टेंथ टर्म आया 28। और क्वेश्चन को जब समझते हैं, नेक्स्ट कई क्वेश्चन दिए हुए हैं बाकी क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ है उसमें 11th टर्म निकालना है, सेकंड क्वेश्चन में देखिए 11th टर्म कैसे निकालेंगे। तो जनरल टर्म तो यही रहेगा 10.0, 10.5, 11.0 और 11.5। यहाँ पर ए 10.0, डी निकालेंगे अगर हम तो डी कितना आएगा ए टू माइनस ए वन। ए टू कितना है, ए टू कितना है 10.5, ए वन कितना है 10.0, वैल्यू कितनी आई 10.5 में से 10 गए तो 0.5। अब डी भी निकाल लिया हमने, ए भी निकाल लिया, हमसे कौन सा टर्म पूछा गया है 11th टर्म, तो हम लिखेंगे 11th टर्म, फॉर्मूले का यही यूज करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू। ए कितना है हमारे पास 10.0 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 11 माइनस वन, डी कितना निकाला अभी हमने 0.5। आसानी से निकालेंगे अब हम इसे 10.0 प्लस 11 से बन गए तो 10 और 10 में इंटू कर रहे हैं 0.5 का है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10.0 प्लस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.0, तो आंसर आ जाएगा 50। तो 11th टर्म निकल के आया 50। एक बात इसमें आपको ध्यान रखनी है, ये जो n है n कभी नेगेटिव नहीं होगा, ना ही पॉइंट में आएगा, ना ही जीरो की वैल्यू होगी इसकी, ये ऑलवेज नेचुरल नंबर यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसी तरीके के ये नंबर रहेंगे, ना कि कोई और। बाकी nth 11th टर्म 15 हो सकता है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेकेंड टर्म की बात करें तो 10.5 हो गया, फोर्थ टर्म की बात करें तो 11.5 होगा, फोर्थ टर्म 11.5 है, लेकिन जो 4 है वो तो नेचुरल नंबर है ना। यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना, ये बहुत से कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चे हमारे, लेकिन इसमें आप कन्फ्यूजन ना होना, आपको ये बात समझ ली है। तो चलिए और अगले क्वेश्चन को समझते हैं उसमें कैसे हमसे पूछा गया, जब तक इसे हम थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म ऑफ एन एपी 3
3813 इज 248, यानी कि ये जो एपी है 3813, इसका कौन सा टर्म 248 होगा, यानी 248 होगा। तो हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे करेंगे समझिए इसमें। तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज nth टर्म इज इक्वल टू 248, सपोज nth टर्म 248, a कितना रहेगा हमारे पास यहाँ पे, सीरीज जो हमें दी हुई है, सीरीज तो ये है, सीरीज लिख लेते हैं हम पहले 3, 8, 13 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर बी है, ए कितना है 3, अगर हम डी निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, डी कितना आएगा ए 2 माइनस ए 1, ए 2 कितना है 8 और ए 1 कितना है 3, वैल्यू कितनी आ गई 8 में से 3 गए तो 5, तो डी की वैल्यू निकाल ली हमने 5, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, nth टर्म हमारे पास 248 है, हमें n की वैल्यू चाहिए कि कौन सा टर्म 248 होगा। तो वी नो nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब nth टर्म निकालना है हमें, तो nth टर्म कितनी वैल्यू दे रखी है nth टर्म की 248, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, ऐसी रहने देते हैं, और d की वैल्यू कितनी है 5। अब करते हैं इसे हम, 248 माइनस 3 प्लस, सॉरी ये जो 3 है जब इक्वलिटी के इधर आएंगे, इस बराबर के इधर आएंगे तो प्लस के हैं तो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस के लिख दिया इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब हम इसे लेस कर देंगे, 248 में से 3 लेस करेंगे 8 में से 3, तो 2, 4, 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 5। अब आप देखिए जरा, मैं इसे इसको ऐसे इधर लिख लूँ, इसको उधर लिख लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, इंटू 5 इज इक्वल टू 2, 4, 5। ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 4, 5 माइनस अपॉन 3, ओ सॉरी 5। अब 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाने पर क्या होगा, डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 का डिवाइड किया तो कैंसिल कर दीजिए, 5 4 जा 20 और 5 9 जा 25। अब हमारे पास वैल्यू आ गई n माइनस 1 इक्वल टू 49, इसको हम लिख सकते हैं n इक्वल टू 49 प्लस 1 इक्वल टू 50, तो n की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 50। ओके यहाँ मैं लिख देता हूँ n की वैल्यू कितनी आएगी, n इक्वल टू एक बार अगेन 49 प्लस 1 यानी कि n इक्वल टू 50, तो n की वैल्यू कौन सी आ गई 50, यानी कि nth टर्म यानी कि 50 टर्म कौन सा होगा 248, किस एपी का, इस एपी का 3813, इस सीरीज का 50 टर्म 248 होगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। चलिए और क्वेश्चनों को समझते हैं, हम इसे क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद बाकी क्वेश्चनों को भी समझते हैं कि उन्हें कैसे करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा आप समझेंगे तो उतना ज्यादा आपकी समझ में आएगा, और प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है। चलिए समझते हैं और भी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4th। तो 4th को कैसे करेंगे, विच टर्म ऑफ एपी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हमने किया था, हमने पहले सीरीज लिख लेते हैं 4, 9, 14 डॉट 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 एपी, यानी कि ये सीरीज जो है 4, 9, 14 इज एपी। अब बी है ए इज इक्वल टू 4 और डी इज इक्वल टू ए 2 माइनस ए 1 यानी कि 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हमने कर लिया, ए 2 इज इक्वल टू ए 1, डी इज इक्वल टू ए 2 माइनस ए 1, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 4। अब हमें 254 टर्म्स निकालना है इसमें भी, तो सपोज
nth term 254, nth term कौन सा निकाला हमने 254। अब ये सपोज कर लिया हमने we know हम निकालेंगे nth term, हम सब जानते हैं इस बात को कि a plus n minus 1 into d, nth term कितना है 254, लिख दीजिए यहाँ पे 254। a कितनी वैल्यू है 4 प्लस n, हमको मालूम नहीं है माइनस 1। d की वैल्यू कितनी है 5। 254 माइनस 4 को इधर ले आएंगे 4 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5। 254 में 4 लेस कर लीजिए 250 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 का डिवाइड करेंगे इसमें, 5 का डिवाइड करिए तो कैंसिल कर दीजिए 5 से, तो ये हो जाएगा आपका 50 इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ से n इज इक्वल टू 1 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि 50 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 51। तो यहाँ पर हमने कैसे निकाला कि 51 जो टर्म है वो कौन सा होगा 254, यानी कि 51 टर्म की वैल्यू कितनी आएगी 254, यानी कि 51 जो टर्म है उसकी वैल्यू है 254। किस सीरीज की? इस सीरीज की 4914 AP। तो अगले और दो क्वेश्चन को हम समझते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ। देखिए ये कैसे करेंगे हम, सबसे पहले से क्लीन कर लेते हैं और फिर समझते हैं कि कैसे होना है। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और ये जो थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स समथिंग समथिंग एक से है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा, हाउ मेनी टर्म आर देयर इन द एपी, उन्होंने यहाँ पे 7, 10, 13 और 40 थी, नहीं लास्ट टर्म दे रखा है और स्टार्टिंग का टर्म दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट टर्म दे रखा है 7। अब इसने पूछा है कि ये 7 से लेके 43 तक कितने टर्म हैं, हमें वो टर्म बताने कितने टर्म है, यानी कि एन बताना है। तो हम यहाँ पे ये मान लेंगे, जैसे यहाँ पे माना था कि ये लास्ट यहाँ पे 254 है, यानी कि इस 4914 इसमें सीरीज चलती जा रही, मालूम नहीं कहाँ पे एंड होगा, उसमें से 254 कौन सा टर्म आएगा, तो हमने बता दिया कि 51 था। अब इसमें क्या पूछा है कि यहाँ पे सीरीज का एंड दे रखा है, जा नहीं रही, एंड टर्म है इसमें 7, 13, 13 और 43 को हम क्या मान लेंगे एंड टर्म, और जो 43 टर्म निकल के आएगा एंड टर्म, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वही उतने ही इसमें टर्म होंगे। तो समझते हैं कैसे करेंगे, यानी कि 7, 10, 13 इज एपी सीरीज, इसमें एपी में। अब हमें क्या करना होगा, ए इज इक्वल टू 7, डी निकाल ही लेंगे यहाँ पे हम ए टू माइनस ए वन से, ए टू की वैल्यू कितनी है 10 माइनस ए वन की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 3। अब सपोज एंथ टर्म इज 43, एंथ टर्म कितना ले लिया हमने 43। अब वी नो एंथ टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एंथ टर्म हमारे पास कितना है 43, ए कितना है 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एन की हमें निकालनी है, डी की वैल्यू कितनी है 3। देखो 43 7 को उधर लाएंगे माइनस क्यों हो जाएंगे इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। 43 में 7 लेस करिए कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। 3 का डिवाइड कर देंगे 36 में तो कितना आ जाएगा 3 बन जाए 3 2 2 जाए 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 1 को इधर लाएंगे तो प्लस के 13 हो जाएंगे, यानी कि एन इज इक्वल टू 12 प्लस 1, यानी कि एन की जो वैल्यू आ गई वो 13 आ गई, एन इज इक्वल टू 12 प्लस 1 यानी कि एन इज इक्वल टू 13। तो एन की वैल्यू कितनी निकाल के आई 13। अब तो हम यहाँ पता चल गया कि एन यानी कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं 13, यानी कि 13 टर्म, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म
ऐसी फोर्थ फिफ्थ सिक्स जाके ये 43 जो नंबर है ये 13 टर्म पर आएगा, ठीक है, यानी कि इसका 13वां नंबर है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को देखिए, ये भी कुछ मिलता जुलता ऐसे ही है लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। ये पूछा है कि इज 302 अ टर्म ऑफ द एपी 383, तो कि 302 जो नंबर है यानी कि 302 है वो 383, ये जो सीरीज चल रही है इसमें ये टर्म है या नहीं है, 302 आएगा या नहीं आएगा, ये हमें पता करना है। अब इसमें भी हम एन निकालेंगे, अगर एन नेचुरल नंबर निकल आता है जैसे कि 1 2 3 4 5 कोई डिवाइडेड नंबर नहीं निकलता, पॉइंट में नहीं निकलता, तो हम कह देंगे कि वो एपी में है, और अगर ये 302 इसमें सीरीज में है टर्म आएगा, अगर नहीं आता है तो मना कर देंगे। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं कि कैसे आएगा ये क्वेश्चन क्लीन करने से। हम चलिए तो सीरीज है हमारी 3 8 13 इज एपी, यहां पर ए इज इक्वल टू 3 और डी इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। करने का तरीका कुछ ऐसे ही है जैसे ये किए थे, ये किए थे, ये किए थे। सपोज nth टर्म 302, वी नो nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम ये जानते हैं nth टर्म कौन सा है, 302, ठीक है ना। अब 302 हमने लिख लिया इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास 3, एन हमको मालूम नहीं है, डी कितना है 5, बस 300 में 2 में लेस कर दी कितना आ जाएगा 299 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। तो हम इसे लिख सकते हैं एन माइनस 1 इज इक्वल टू 299/5। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइड करिए 5 का, 5 5 जा 45 पॉइंट लगा लिया हमने और 4 0 5 6 जा 40, ओके ये वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पॉइंट आ गया, यानी कि अगर हम n की वैल्यू निकालेंगे भी तो n इज इक्वल टू 59.8+1 है ना, तो आएगा हमारे पास यानी कि 60.8, जो कि n की वैल्यू n इज नॉट इक्वल टू 60.8 बिकॉज है ना कि n की वैल्यू 60.8 नहीं होती, n इज अ नेचुरल नंबर होता है, इसलिए बिकॉज n इज अ नेचुरल नंबर है, नेचुरल। अब ये पार्ट 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है, पार्ट 4 में हम कुछ और नए क्वेश्चनों को करेंगे और उन नए क्वेश्चनों को समझेंगे। तो आप घर पे प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चनों को इसी टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन पे आपके लिए ऐसे क्वेश्चन लगा दूंगा जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकें, तो उस फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा और बहुत सारे क्वेश्चनों को आप अपने घर पर प्रैक्टिस करिए जिससे आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाए। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।